भी चलेगा। सॉरी मैंने बंद ही किया। पनीर हनी मक्खन मनमो हनी मक्खन बोले नहीं गुरु आप जल्दी आओ फटाफट ले लो ले लो क्या बात है। थैंक यू फोटो राशि और ये दोनों हड़ी हड़ी बैठिए बैठिए ये लेना है आपको क्या अभी अभी पहले एक फोटोग्राफ इसके साथ ऐसे चाहिए कैसी चाहिए नई लॉन्च हुई है संसार में जिसका उद्देश्य है नए से नए कलाकारों को सामने लाना और एक अच्छे सुंदर म्यूजिक को संसार में देना। और शिवोहम म्यूजिक की जो प्रस्तुत करता है जो निर्मात्री है श्रीमती शशि मारवाहा वो यहाँ मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं। आज के इस भीड़ वाले युग में जब इतनी सारा म्यूजिक का एक्सप्लोरेशन हो गया है और म्यूजिक तरह तरह से बिखर गया है उसमें शिवोहम म्यूजिक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और शिवोहम म्यूजिक का पहला एल्बम साई गुरु साई बाबा के चरणों में समर्पित करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसमें हमारे जगत प्रसिद्ध गायक अनूप जरोटा जी ने अपने 3 गाने गाए हैं। शिवा ने गिरीश ने 3 गाने गाए हैं। एनी ने एक गाना गाया है। रतिका जौहरी ने गाना गाया है। अल्तमस ने गाया है। पूरन शिवा ने गाया है। कुल मिला के बहुत अच्छा एल्बम बना है। हमने इसको जुहू में रिकॉर्ड किया है और इसका संगीत किया है जाने माने संगीतकार जिन्होंने कितनी फिल्मों में बड़े बड़े म्यूजिक का काम किया है निखिल कामत जी ने। उन्होंने इस एल्बम को अपने म्यूजिक में ढाला है और मैंने इसके गीत लिखे हैं। कुल मिला के ये एक बहुत सुंदर बड़ा ही आध्यात्मिक और बड़ा ही रिलीजियस तरह का अनुभव है और ऐसे एल्बम बहुत कम साईं बाबा के आते हैं। मैंने लास्ट एल्बम अनूप के साथ किया था 11 साल बाद ये एल्बम साईं बाबा के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। हम लोग शिरडी भी गए थे और शिरडी जाके हमने बाबा के चरणों में ये एल्बम भी चढ़ाया इस एल्बम की प्रगति के लिए इस एल्बम की सफलता के लिए और शिवोहम कंपनी के लिए हमने हर मंदिर में प्रार्थना की है। आप लोगों की पत्रकार बंधुओं की सभी की शुभकामनाएं चाहिए ताकि ये कंपनी आगे फ्लरिश हो और इस कंपनी का जो उद्देश्य है कि नए कलाकारों को सामने लाना बढ़िया संगीत को सामने लाना एक अच्छा माहौल पैदा करना उस उद्देश्य में हम सफल रहे इसके लिए हम आप सबकी शुभकामनाएं चाहते हैं। आज ये साई गुरु एल्बम अनूप जरोटा जी के हाथों से हम इसको रिलीज कर रहे हैं और ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज साईं बाबा का दिन है थर्सडे का दिन है सबके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसमें गिरीश जो स्वयं एक बहुत अच्छे गायक हैं बड़े ट्रेंड गायक हैं निखिल जी ने पहली बार गिरीश जी को इंट्रोड्यूस किया है और गिरीश जी इस कंपनी के CEO भी हैं और हम सब मिलके इस कंपनी की प्रगति पर पूरा ध्यान देंगे और पूरे मनोयोग से इस कंपनी की प्रगति पर अपना पूरा जो भी हमसे हो सकेगा अपनी योग्यता के अनुसार हम ये करेंगे। लॉन्च कर रहे हैं इसका विमोचन कर रहे हैं ये बड़ा ही सुंदर एल्बम है। देखिए साईं बाबा का इतना सुंदर विनम्रता से ये एल्बम हम रिलीज कर रहे हैं। अनूप जरोटा और सर फ्रंट कवर फ्रंट इस एल्बम को रिलीज कर रही हैं फ्रंट कवर खाली फ्रंट हाँ आइए जरा एक्सक्यूज मी मैडम
मैम थोड़ा फेस लू गया साईं बाबा, हम सब पर कृपा करें और हमारे इस अभियान सर लुगिया सेंटर हमारी कंपनी को सफल करें और हम आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहे। ऐसी हम साईं बाबा से सबको बधाई सर। एक मैं और गिरीश शिवो हम म्यूजिक की ओर से साई गुरु ये एल्बम एक मैं मार्केट में रिलीज कर रहे हैं। अगले में गीतकार आएगा, ऐसा ना हो कि लोग समझे कि अंदर सब गाने लिखे। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटा ग्रुप बनेंगे। हाँ नहीं ऐसा ना समझे कि सब गाने इनके लिखे हुए हैं। लोग सच्चाई ना कर ले। एक फोर गाने थे। एक आई चलो मालिक हो गए तो कुछ भी करोगे। कॉम्पैक्ट हो जाओ, कॉम्पैक्ट हो जाओ। चलिए रेडी, एक एक लुक इनटू माय कैमरा। साईगुरु सबको आशीर्वाद दे। सर इस तरफ आइए ना। यू आल्सो कम भाई, सेकंड टू द कैमरा, लुक इनटू माय कैमरा। सेंटर एक बार मेरे कैमरा में भी देखो भाई। थैंक यू। आप अपने अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा संगीत गीत गायन? शुरू करूं? साई गुरु एक बहुत ही सुंदर साई भजन का एक एल्बम है जिसमें मैंने 3 गाने गाए हैं। सभी गाने राजेश जौहरी जी ने लिखे हैं, जिनके साथ हम बरसों से काम कर रहे हैं। न जाने कितने एल्बम्स राजेश जी के साथ हमने बनाए। इसमें एक ख़ास जो सुंदरता है वो ये है कि निखिल कामत जी का जो संगीत है वो संगीत बहुत ही भक्तिपूर्ण है, बहुत ही डिवोटेड है, और इस तरह का जो संगीत होता है वो लोगों के मन में बस जाता है और आसान है तो लोग उसको गा भी सकते हैं। ये भी दोनों बातें इसमें हैं। इसमें गिरीश ने बहुत मेहनत की है, गिरीश ने खुद गाया भी है, उन्हीं की कंपनी है, अपनी कंपनी से ही रिलीज़ भी किया है, और जो जो इसमें हमारे साथ सिंगर्स हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एक सुंदर एल्बम में आप सब ने गाया, और साईं बाबा ज़रूर आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और आप सब बहुत नाम करेंगे। धन्यवाद। हो गया जी, अभी गिरीश का इंटरव्यू ले ले। गिरीश